ये टिपर्स में जो है सारा सिर्फ कोयला ही कोयला जा रहा है, एवरीवेयर देयर इज कोयला। ककरी माइन जाने का रास्ता ये है। कौन सा भैया? ककरी माइन। ये एनसीएल का ही है क्या? ये अच्छा, ये रास्ता है उनका ककरी माइन जाने का। हाँ सही है। और वो ओवर बर्डन है बिल्कुल सही है। हाँ वो ओवर बर्डन है काफी ज्यादा माइन चल रही है। बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ डंपर चल रहे हैं। ये किसके है? टाटा के हैं क्या? ककरी माइन है सामने। ये ओवर बर्डन आप देख सकते हैं जो कि माइन से निकला है। करीब माइन में 50-60 मीटर के नीचे में कोयला रहता है, और उसके बाद में जो मिट्टी ऊपर से उठानी पड़ती है, और उसके बाद में कोल के सीम निकलते हैं 10-10, 15-15 मीटर के। ये इन्होंने क्या लगाया है यार? ये कुछ कन्वेयर लगाया है इन्होंने। ट्रेन रैक लोडिंग है तो रैक। अच्छा, ये रैक लोडिंग है। अच्छा, ट्रेन का रैक ये वाला जो है कोल हैंडलिंग प्लांट आप देख सकते हैं। तो ये एकदम खटा रहा है इन्होंने, अच्छा रखा ही नहीं है एनसीएल वालों ने। ना सफाई है ना कुछ है, ऐसे ही है, भगवान के भरोसे हैं। चलिए ठीक है, स्टिल समथिंग इज लॉट ऑफ कोयला इज कमिंग फॉर जनरेटिंग प्लांट्स। ये चारों तरफ देख सकते हैं कि भाई कि यहाँ पर कोयला ही कोयला है। ये जो हम सिंगरौली से जा रहे हैं, आगे में जा रहे हैं इन माइंस को देखते हुए, ये सारी माइन जो ककरी माइन है, और राइट साइड से एनसीएल का ऑफिस होगा, उनका रेजिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये ककरी माइन के इसके ये ओवर बर्डन है। सामने में सीजे ऑफिस आने वाला ककरी का। अच्छा, ककरी का सीजीएम ऑफिस आ जाएगा वो। ये सब लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये इनका ऑफिस है। बढ़िया बनाया यार इसने तो, ऑफिस तो बहुत बढ़िया बनाया है ककरी माइन वाले ने। हमको भी ऐसा बनाना चाहिए, बढ़िया सा बढ़िया ऑफिस बनाना चाहिए। इधर राइट साइड में इनका कॉलोनी है। अच्छा, राइट हैंड में उनका वो कॉलोनी हो गया घर का, लेफ्ट साइड में इनका माइनिंग माइन बना। ये आया सर, ये कॉलोनी। ये क्या आ रहा है यार, इनका कोयला जा रहा है? सौली है सर, नालको के जाने के लिए रेनु सागर। ये क्या कोयला जा रहा है? कोयला जा रहा है, ये ट्रॉली कोयला जा रहा है। ये क्या चक्कर है साला? ये पहले ऐसे ही थे सर, ट्रॉली से ले जाते। अच्छा, पुराना वाला सिस्टम है। वो पुराना वाला सिस्टम है, ट्रॉली से जा रहा है कोयला। ये पहले धनबाद। और वो कौन सा प्रोजेक्ट है उनका? हिंडाल्को का। हिंडाल्को का सर, ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट है, क्या नाम है उसका भैया? ये सर रेणु सागर, आदित्य बिरला नाम है। अच्छा, आदित्य बिरला का रेणु सागर जो डैम ये है। अच्छा, ये देखिए कि दिस इज कम्प्लीटली दैट कोल इन्फेस्टेड एरिया इट इज। ये पूरा सिंगरौली का ही बोले 50-60 किलोमीटर कह रहा था वो, क्या जो एसडीएम वहाँ पर है ना, एडीएम, वो कहते थे कि भाई ये 50-60 किलोमीटर का पूरा एरिया नीचे में सीम है, ये सिंगरौली का ही है। और बोला कि वो रेवेन्यू में उसका कहीं पर भी नहीं है रिकॉर्ड। ये आपके बड़े बड़े लीलैंड के डंपर्स हैं। वो पीछे से इसका ओ भी है, ओवर बर्डन जो निकाला है। ये सारे कोयला ही कोयला, यहाँ का काम सिर्फ कोयला का ही है और कुछ नहीं है, कोयला काम ही है। कहाँ तक खत्म हो जाता है यार अंपारा? कहाँ पर है अभी? आगे आएगा सर, दिखाएंगे। अच्छा, अंपारा के बाद में खत्म। हाँ, सही बात है। अंपारा से लेकर एक थर्मल पावर प्लांट आएगा, फिर लैंको प्लांट आएगा। हाँ, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म। अच्छा, लैंको का और अंपारा का आएगा, और राइट अप टू सिंगरौली का वो एकदम लास्ट तक है। यार करीबन 22,000 मेगावाट का इधर से जनरेट हो रहा है सिंगरौली के इस कोल माइन से।
राइट फ्रॉम अंपारा अप टू व्हाट यू कॉल दैट जो हमने लास्ट में एमिलिया देख लिया था, मतलब तो एक बोल वाइन है सारे। कितना टाइम लग जाएगा अंपारा में तक? 10 मिनट लग जाएगा सर। अच्छा, अभी 10 मिनट तक लग जाएगा, उसके बाद अंपारा शुरुआत ही है। अंपारा एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है और नहीं सर, ये आपका इसका थर्मल पावर प्लांट है। अच्छा, जो इसका अपना यूपी का है? जी सर, यूपी गवर्नमेंट का जो है। जी जी, अंपारा थर्मल पावर प्लांट है। हाँ, अंपारा तो वो है, उसका तो चिमनी तो दिखाई पड़ रही है, चिमनी है। और ये किसकी कॉलोनी है राइट में? ये सर लेंको की कॉलोनी है। अच्छा, लेंको की है क्या? अभी बन रही है, अंदर में चार बना भी है। और ये लेंको का भी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? वो भी है काफी बड़ा सर, वहाँ आगे दिखाएंगे, थर्मल पावर प्लांट के बगल में है, एक कॉलोनी के अंदर एंट्री करने का गेट है। अच्छा, ये है आपका लेंको के? लेंको ठीक है। माइंड से आ रहा है सामने में पावर प्लांट है, सामने में कॉलोनी है, सब कुछ आमने सामने में है, क्या पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम है? एक ही साथ है सामने।